हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडियो। पेंडलम ईडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 22 अक्टूबर 2020, और ये बायलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, साथ ही उससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और साथ ही एस एस सी सी जी एल टायर 2 का इंग्लिश का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रीवियस डे के कुछ न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं, देन आज के हम देखते हैं। तो आयुष्मान सहकार स्कीम जो है, ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको लॉन्च किया, आयुष्मान सहकार स्कीम। और इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया है NCDC ने, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी कॉपरेटिव्स हैं जो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उनको 10,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो कॉपरेटिव्स वुमेन मेजॉरिटी वाली होंगी वहाँ पर उनको ऋण में छूट दी जाएगी, 1% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हींग कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, लाहौल एंड स्पीति में। एंड ये जो हींग की खेती है भारत में नहीं होती है, अभी जो हम हींग है उसको इम्पोर्ट करते हैं कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इन कंट्रीज से हम अभी इम्पोर्ट करते हैं, तो पहली बार ऐसा है कि हींग की कल्टिवेशन भारत में हो रही है। देन स्लो प्रोग्रेस ऑफ घर तक फाइबर स्कीम। तो घर तक फाइबर स्कीम जो है, इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 सितंबर को। और इसका एम ये था कि बिहार के जितने भी विलेजेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से बाय 31 मार्च। और ये सब जो है, इसमें अभी देखा गया कि जो स्कीम है इसकी प्रोग्रेस स्लो है। और इसमें क्या है कि जो ये घर तक फाइबर स्कीम है, इसमें भारत नेट के अंतर्गत जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी कि हर घर को, ठीक है, मतलब हर गांव में कम से कम 5 फाइबर टू होम कनेक्शंस दिए जाएंगे और कम से कम 1 वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज दिया जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू किया गया था 2011 में, एंड देन इसका जो डेडलाइन है वो है अगस्त 2021। और भारत नेट को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, कौन हो सकती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिशर्स किंग्स ऑफ इंडिया। तो स्किंक्स जो होती हैं ये एक लिजर्ड की एक वैरायटी होती है, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लिजर्ड्स ये फॉर्म करती हैं, और इन्हीं के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ZSI के द्वारा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? ये कोलकाता में है, ठीक है। और इन्होंने पब्लिश किया। तो स्किंक्स जो होते हैं ये, इनकी लॉन्ग बॉडीज़ होती है, रेप्टाइल्स होते हैं, हार्मलेस होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं और काफ़ी अलर्ट होते हैं। और ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें पाया गया कि 62 स्पीशीज़ जो हैं वो स्किंक्स की पाई जाती हैं भारत में, और इसमें 50% से ज़्यादा जो हैं वो भारत की ही रहने वाली हैं। दीज आर एंडेमिक टू इंडिया ओनली। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। जो डे है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये जो है तीसरा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे था, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। इसके बाद नेशनल सॉलिडेरिटी डे जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। और इसका पर्पज़ यही है कि जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना, और जो भी हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है उसको ऑनर करना, ये इसका पर्पज़ है। नेक्स्ट इज वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IRDAI। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, जिसको हेड कौन करेगा? ये 9 मेंबर ग्रुप है, इसको हेड पी उमेश करेंगे, ठीक है, ताकि नए स्टैंडर्ड जो है साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के, वो एक इवॉल्व किया जाए कुछ नया स्टैंडर्ड, ताकि इंडिविजुअल एस्टैब्लिशमेंट्स दोनों को ही फायदा हो। क्योंकि अभी तक जो जनरल लाइबिलिटी पॉलिसीज हैं उसमें साइबर रिस्क को कवर नहीं किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि साइबर के केस, साइबर अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको डील करने के लिए यहाँ पर ये वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। PLFS shows a decline in unemployment rate in urban areas।
तो अभी जो एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो अभी जारी किया गया है, इसमें पता चला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में, ये डिक्लाइन हुआ है टू 8.4% इन जुलाई सितंबर 2019। तो ये जो अभी जारी किया गया है ये डेटा सिर्फ अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता है। जो एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, इसमें रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ये बताता है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, ये क्वार्टरली रिलीज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सी एयरप्लेन प्रोजेक्ट। जो है अभी इंडिया में 5 जो है सी प्लेन जो है चालू किए जाएंगे, लेकिन उसमें से जो पहला वाला सी प्लेन है, फर्स्ट सी प्लेन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 31 अक्टूबर को होती है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। तो वो जो है साबरमती रिवर को कनेक्ट करेगी इन अहमदाबाद टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया, ठीक, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। एंड इस तरह के जो सी प्लेन है काफ़ी कंट्रीज़ में ऑपरेट किए जाते हैं। भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, एक कमर्शियल सी प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था जलहंस, ठीक है। और ये जो जलहंस है ये स्टार्ट हुआ था 2010 में इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। देन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये जो फ्लाइट है इसको स्पाइसजेट कंपनी जो है ऑपरेट यहाँ पे फ्लाइट्स करेगी, जो पहली वाली फ्लाइट होगी। देन नेक्स्ट इज क्वाड नेवीज रेडी टू सेल टुगेदर। तो यहाँ पर जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, तो इन सभी जो है रेडी हो गए हैं कि अपनी अपनी नेवीज को ये लोग भेजेंगे फॉर द मालाबार एक्सरसाइज। ये नवंबर में होनी है मालाबार एक्सरसाइज। पहले तो ये भारत और US के बीच में होती थी, फिर उसके बाद जापान ने इसको ज्वाइन किया एंड इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ ही जो अभी 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग होने वाली है इंडिया और US के बीच, उससे पहले बेका एग्रीमेंट साइन होगा, विच इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज भानु कपिल शॉर्टलिस्टेड फॉर TS एलियॉट प्राइज़। तो TS एलियॉट प्राइज़ के लिए भानु कपिल, जो इंडियन ओरिजिन की काफ़ी फेमस ऑथर हैं, ब्रिटिश पोएट हैं, तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फॉर TS एलियॉट प्राइज़ फॉर हर बुक हाउ टू वॉश आर हार्ट। ये उनके द्वारा लिखी गई बुक है विच टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इमिग्रेंट गेस्ट एंड अ सिटीजन होस्ट। एंड ये जो TS एलियॉट प्राइज है 1993 में स्टार्ट हुए थे एंड इट इज़ गिवन फॉर द बेस्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस विच आर पब्लिश्ड इन UK। एंड इसको कौन अवार्ड करता है, TS एलियॉट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हमने फटाफट से रिविजन कर लिया प्रीवियस डे के न्यूज़ का। एक और आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस, इसका हम हर वीक वीकली इसका हम लोग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। वीकली हम रिविजन करेंगे पूरे वीक में जो भी बैंकिंग अवेयरनेस रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर एवरी एग्ज़ाम, जैसे SSC में बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट बैंकिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन कैटेगरी को कैटर करने के लिए, रेलवेज़ के लिए, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बैंकिंग अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग वीकली वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर हम पूरे वीक में जो भी बैंकिंग में चीज़ें रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप ज़रूर कनेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं। अ न्यू बुक विल इनकॉर्पोरेट फाइनल थॉट्स एंड अनरिलीज्ड मटीरियल्स ऑफ जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है उसने डिसाइड किया दैट इट विल पब्लिश अ बुक जस्टिस दो शैल परस्यू अ लाइफ्स वर्क फाइटिंग फॉर अ मोर परफेक्ट यूनियन। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है रथ बेडर, उनके थॉट्स, जो भी फाइनल थॉट्स थे या फिर जो अनरिलीज्ड मटीरियल है उसको पब्लिश इसमें किया जाएगा। This will provide a unique lens to readers for understanding how and for what Justice Ginsburg would like to be remembered. Justice Ginsburg को क्यों याद किया जाए वो सब के बारे में वहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि जो रूथ बेडर गिन्सबर्ग है उनका भी सितंबर 2020 में निधन हो गया था एंड शी वॉज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और वो पहली ज्यूइश वुमेन थी और सेकेंड वुमेन थी जो यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रही थी, ठीक है, तो उस नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। एंड उन्होंने काफ़ी जेंडर इक्वालिटी की आर्ग्यूमेंट्स और वुमेन राइट्स रिलेटेड केसेस जीते हैं। द कैलिफोर्निया प्रेस विल ऑल्सो पब्लिश पेविंग द वे द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन लॉ प्रोफेसर्स विच इज़ रिटन बाय हरमा हिल्के। तो
तो हरमा एलके के द्वारा जो लिखी हुई बुक है उसको भी कैलिफोर्निया प्रेस पब्लिश करेगी, विच इज पेविंग द वे द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन लॉ प्रोफेसर्स। सो क्वेश्चन आपके लिए, जस्टिस दो शैल परस्यू अ लाइफ्स वर्क फाइटिंग फॉर अ मोर परफेक्ट यूनियन बुक इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन। जस्टिस दो शैल पर्स एक लाइफ फॉर वर्किंग वर्क अ लाइफ फॉर वर्क फाइटिंग फॉर अ मोर परफेक्ट यूनियन पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? रूथ बेडर गिन्सबर्ग, हरमा हिलके, विलियम कुशिंग एंड जेम्स विल्सन। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रूथ बेडर गिन्सबर्ग। नेक्स्ट इज इसराइल टू बिगेन ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट ब्रेलाइफ। तो इसराइल ने कहा है कि अभी अक्टूबर एंड तक वो अपना ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट करेगा फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन विच इज नेम्ड ब्रेलाइफ। एंड ये जो ब्रेलाइफ है ये हिब्रू वर्ड है, ब्राय मीन्स हेल्थ, इल इज द कंट्री कोड फॉर इसराइल एंड लाइफ मीन्स जिंदगी। तो यहाँ पर ये नाम वहाँ से लिया गया है ब्रेलाइफ, और इसको डेवलप कौन कर रहा है, इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इस वैक्सीन को बना रही है। ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, ये एक इसराइली रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी है विच इज़ अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जैसे भारत में CSIR है उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट समझ लीजिए। इसराइल हैज़ डिवोटेड दिस इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए इस संस्थान को समर्पित किया गया है। इसराइल की हम बात करें तो ये मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है कंट्री, इसकी कैपिटल जेरूसलम है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं इसराइल की। करेंसी इसराइल शकील है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू है एंड प्रेसिडेंट रूवन रिवलिन है। और ये अपना बॉर्डर इधर जॉर्डन के साथ शेयर करता है, देन सीरिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान के साथ शेयर करता है और इधर इजिप्ट के साथ शेयर करता है। अच्छा, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होता है तो उसमें वेरियस फेजेस होते हैं। फेज वन में क्या होता है, सेफ्टी को इवैल्यूएट किया जाता है, सेफ डोसेज का पता लगा जाता है कि भाई कितनी डोसेज ज़रूरी होगी जो सेफ रहेगी और जिससे इसे डील किया जा सकता है कोई भी पेंडेमिक से, एंड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ ड्रग्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। तो इस फेज़ में लगभग 70% जो ड्रग्स हैं वो अगले फेज़ में पहुँच जाते हैं, फेज़ टू के लिए क्लियर कर लेते हैं। फेज़ टू में फिर क्या होता है, उसकी टेस्टिंग होती है कि कितना वो इफ़ेक्टिव है और आगे उसकी और क्या सेफ्टी, कितनी सेफ्टी है, कितना सेफ़ है वो वैक्सीन, वो टेस्ट किया जाता है। इसके बाद 33% जो हैं वो अगले फेज़ के लिए जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे 30% कम हो गई, देन यहाँ पे जो रिमेनिंग 40% है वो भी कम हो गई। ठीक है, देन फेज़ थ्री के लिए फिर से इफ़ेक्टिवनेस को कन्फर्म किया जाता है कि भाई कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या अभी भी कुछ और इसमें तो नहीं है चीज़ें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है और जो बाकी इलाज है जो अदर ट्रीटमेंट्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इसमें 25-30% ऑफ ड्रग्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में फिर जो 25-30% है जो रिमेनिंग के वो आगे फेज़ फोर के लिए जाते हैं। और फेज़ फोर में क्या होता है, इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आफ्टर अप्रूवल इंक्लूडिंग रिस्क बेनिफिट एंड बेस्ट यूज़। तो यहाँ पे आके फेज़ फोर जो क्लियर कर लेती है वो फिर आगे फर्दर कमर्शलाइजेशन उसका होता है वैक्सीन का। ठीक है, तो चार फेज़ होते हैं बेसिकली किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में, ये आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन आपके लिए है, विच कंट्री विल सून स्टार्ट द ह्यूमन ट्रायल ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट ब्रेलाइफ बाय अक्टूबर एंड। कौन सा देश जल्द ही अक्टूबर के अंत तक अपने कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ब्रेलाइफ का मानव परीक्षण शुरू करेगा? इराक, ईरान, इसराइल एंड लेबनान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इसराइल। नेक्स्ट इज एक स्टडी की गई है जिसमें पाया गया कि 76% ऑफ रूरल इंडियंस दे कैन नॉट अफोर्ड अ न्यूट्रिशियस डाइट, पौष्टिक आहार जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो 3 out of 4 रूरल इंडियंस, मतलब हर 4 में से 3 ग्रामीण भारतीय पौष्टिक आहार नहीं खरीद सकते हैं। और इस पेपर को पब्लिश किया गया था एक जर्नल फूड पॉलिसी में। इस पेपर का टाइटल है अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट्स इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य।
इसको लिखा गया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो इकोनॉमिस्ट हैं कल्याणी रघुनाथन, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। इट सेज दैट इवन इफ द रूरल इंडियन स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन फूड, कि अगर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के भारतीय हैं अगर वो पूरी अपनी जो इनकम है वो खाने पर खर्च कर दें, तब भी 63% की जो रूरल पॉपुलेशन है, लगभग 63% की जो ग्रामीण आबादी है, या फिर 52 करोड़ से भी ज़्यादा जो भारतीय हैं, वो न्यूट्रिशियस डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिशियस डाइट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने डिफाइन किया हुआ है कि न्यूट्रिशियस डाइट का क्या मतलब है, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर वो पूरी इनकम भी अगर स्पेंड कर देते हैं फूड पर। तो हम समझ सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। डेटा इन द स्टडी इज बेस्ड ऑन द फूड प्राइस एंड वेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेशनल सैम्पल सर्वे 2011 डेटा सेट। ठीक है, तो 2011 का जो नेशनल सैम्पल सर्वे का डेटा सेट था वहाँ से डेटा लिया गया है, विच इज़ बेस्ड ऑन द फूड प्राइस एंड वेजेस। ठीक है, जो खाद्य मूल्य और मजदूरी की जानकारी पर आधारित है। अभी कल ही हमने पढ़ा था, परसों पढ़ा था हमने, जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हमें पता चला था कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है चाइल्ड वेस्टिंग रेट्स में वो बेकार है, जबकि इंडिया ने अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग में तो थोड़ा इम्प्रूव किया है, बट चाइल्ड वेस्टिंग में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग में बेकार परफॉर्मर रहने का मतलब है कि एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, तीव्र कुपोषण को दर्शाता है ये। और इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक 94 थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशंस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब है कि एक जो एडल्ट वुमेन है, जो एक वयस्क महिला है, उसको एक दिन में 330 ग्राम जो है उनको अनाज लेना है, 75 ग्राम पल्सेस लेनी है, दालें खानी है, इसके अलावा 300 ग्राम डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ लेना है, 100 ग्राम फ्रूट खाने हैं, 300 ग्राम वेजिटेबल्स खानी है, जिसमें जो हरी पत्ती की सब्जी है वो 100 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक डिफाइंड है कि इतना भाई आपको लेना है ताकि आप न्यूट्रिशियस डाइट ले सकें। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी अ डेज मील वुड कॉस्ट डेज 45 फॉर एडल्ट वुमेन एंड रुपीज 51 फॉर एडल्ट वुमेन। तो एक दिन का जो भोजन है, तो इतना सब अगर हम देखें तो इसमें जो कॉस्टिंग आएगी वो होगी कि एक भोजन में वयस्क महिलाओं के लिए 45 रुपये और वयस्क पुरुष के लिए 51 रुपये खर्च होंगे। इन इंडिया फूड प्राइसेज आर डिटरमिन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस। तो आपको पता ही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर इंडिया में फूड प्राइसेज डिटरमिन होता है, CPI आपने पढ़ा होगा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन की बात करें तो 1918 में इसकी स्थापना की गई थी बाय सर रॉबर्ट मैकैरिसन, और इसकी लोकेशन है हैदराबाद में। इट इज़ एन इंडियन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये भारत का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण संस्थान है। क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली पब्लिश पेपर अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट्स इन रूरल इंडिया इज ऑथर्ड बाय डैश। हाल ही में प्रकाशित एक पत्र ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य डैश के द्वारा लिखा गया है। रघुराम राजन, कल्याणी रघुनाथन, सुब्रमण्यम स्वामी एंड अमर्त्य कुमार सेन। सो क्या होगा सर करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कल्याणी रघुनाथन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंक्रीज इज मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जैसे आपने, आपको पता ही होगा कि जब भी लोकसभा के असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वेरियस पार्टीज जो है खर्चा करती हैं, तो गवर्नमेंट ने वो जो एक्सपेंडिचर लिमिट है उसको बिगर स्टेट्स में बढ़ा दिया है। पहले 70 लाख था और इसको अभी 10% बढ़ा दिया गया है, अब इसको 77 लाख कर दिया गया है। ठीक है, और ये 10% का जो बढ़ोतरी है ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि COVID-19 के चलते काफ़ी कैंडिडेट्स को डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी के चलते इसको बढ़ा दिया गया था। इससे पहले जो एक बढ़ोतरी की गई थी वो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में की गई थी, जब एक्सपेंडिचर लिमिट को 40 लाख से 70 लाख बढ़ा दिया गया था। ठीक है, द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डील्स विद इलेक्शन लॉज। तो इलेक्शन लॉ से कौन डील करता है, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का,
और जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं फॉर बिगर स्टेट्स और स्मॉल स्टेट्स वो अलग अलग होती हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये 10% इंक्रीज क्या हुआ है, लोकसभा इलेक्शंस इन बिगर स्टेट्स, अगर बड़े स्टेट में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे अब जो एक्सपेंडिचर लिमिट है नहीं वो 77 लाख हो चुकी है। अगर बाकी स्टेट्स की हम बात करें, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे इसको बढ़ाकर 54 से 59.4 लाख कर दिया गया है। वहीं अगर बिगर स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर 28 लाख से बढ़ाकर इसको 30.80 लाख कर दिया गया है। वहीं बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये टेबल फॉर्म में ऐसे याद रहेगा आपको कि कितना पहले था और अभी 10% इंक्रीज कितना कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शंस इन बिगर स्टेट्स, बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार द्वारा अधिकतम खर्च की नई सीमा क्या है? 20 लाख, 22 लाख, 28 लाख एंड 30.8 लाख। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 30.80 लाख। नेक्स्ट इज DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड स्टैंड ऑफ एंटी टेक मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर ओडिशा। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, जिसको संत मिसाइल कहते हैं, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। दिस मिसाइल इज इंडिजिनसली डेवलप्ड, इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, भारत में विकसित किया गया है, और इसमें बिफोर और आफ्टर लॉन्च लॉक ऑन कैपेबिलिटीज हैं। तो बिफोर और आफ्टर लॉन्च लॉक ऑन कैपेबिलिटीज का मतलब ये है कि मिसाइल जो है वो इट कैन फॉलो द टारगेट बिफोर एंड आफ्टर द लॉन्च फ्रॉम अ करियर व्हीकल। तो ये मिसाइल वाहक वाहन से प्रक्षेपण से पहले और बाद में लक्ष्य का पालन कर सकती है, ठीक है, वो टारगेट को फॉलो कर सकती है। दिस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई DRDO। इस मिसाइल को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, और ये 4th जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन है हेलिना का। जो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल थी उसका ये 4th जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन है। अभी हाल ही में इससे पहले DRDO ने एक और टेस्टिंग किया था, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया था। क्वेश्चन आपके लिए, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, संत इज अ 4th जनरेशन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट निम्नलिखित में से किसका 4वीं पीढ़ी का उन्नत संस्करण है? नाग मिसाइल, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग हेलिना मिसाइल, अस्त्र मिसाइल एंड रुद्रम मिसाइल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर, लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज हेलिना मिसाइल का ये 4th संस्करण है, 4th जनरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ मिनिस्ट्री इन्फॉर्म दैट 14 स्टेट्स हैड रिपोर्टेड अ रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सूचना दी कि 14 राज्यों ने बताया कि जो परजीवी आंतों के कृमि संक्रमण की व्यापकता है उसमें कमी आई है, जिससे मृदा संचारित हेलिमेंथिसिस, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंथिसिस भी कहते हैं। इन 9 स्टेट्स में है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड बिहार, जहाँ पर ये रिडक्शन देखा गया है। सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंथिसिस इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन लो इनकम ग्रुप, क्योंकि ये जो है बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो भी खासकर जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये एनीमिया कॉज कर सकता है, अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि जब पेट में कीड़े होंगे तो खाना नहीं पचेगा, तो बच्चे को शरीर में कमी हो सकती है, एंड इसकी वजह से चिल्ड्रन का जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी अफेक्ट हो सकता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इज द नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट एंड कंडक्ट नेशन वाइड बेसलाइन STH मैपिंग। तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC राष्ट्रव्यापी बेसलाइन STH मानचित्र के समन्वय और संचालन के लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि STH मैपिंग के लिए कौन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल।
अच्छा, इसमें ये भी देखा गया कि डेटा शोज दैट प्रेवलेंस वेरीड फ्रॉम 12.5% इन मध्य प्रदेश टू 85% इन तमिलनाडु. तो कहीं कहीं पर ये 85% तक है और कहीं कहीं पर ये 12.5% तक है. नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो है इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2015. और इसका मेन एम यही है कि जो भी प्री स्कूल या फिर स्कूल एज के बच्चे हैं उनको डीवॉर्म करना, जो कि 1 से 19 साल की एज ग्रुप में है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. थ्रू द प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स इस दिन में क्या होता है कि जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है, ठीक है, ये ऐसी टैबलेट है जो भी इंटेस्टिनल वॉर्म्स हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बच्चों को और एडोलेसेंट्स को. ठीक है, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट्स की हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ हेलिमेंट इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ राउंड वर्म्स. ठीक है, तो ये गोल कृमि की विभिन्न प्रजातियों के कारण जो है ये होने वाला हेलिमेंथिसिस है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल. ये सबसे आम संक्रमण है जो दूषित मिट्टी के माध्यम से फैलता है. ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर एक तो सैनिटरी फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ख़राब होता है, सेफ वाटर सप्लाई कम होता है, जिसके वजह से सॉइल कंटेमिनेट हो जाता है और फिर ये इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है. तो इसको रोका कैसे जा सकता है? एक तो खुले में शौच को अवॉइड करना, ओपन डेफिकेशन को अवॉइड करना, देन रेगुलरली हैंड वॉशिंग बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे साफ सुथरे पानी में धोकर इस्तेमाल करना और खाना प्रॉपरली कुक करके खाना. ये सारे तरीकों से इस तरह का जो कंटामिनेशन है, जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथीसिस है, इसको रोका जा सकता है. क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट एंड कंडक्ट नेशन वाइड बेसलाइन सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट्स मैपिंग. देशव्यापी बेसलाइन सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंथीसिस मैपिंग के समन्वय और संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है? न्यूट्रिशन एंड नेचुरल हेल्थ साइंस एसोसिएशन, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र. नेक्स्ट इज, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है एंड इस लॉजिस्टिक पार्क को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा. अब इसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा लॉजिस्टिक पार्क से, कि ये डायरेक्ट एयर, रोड, रेलवे और वाटरवेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू द पीपल ऑफ असम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. और जब इस तरह का कोई भी लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा तो ये लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा. इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 693 करोड़ है एंड ये जो फंड है, इस द फंड विच विल बी यूज्ड टू स्पेंड ऑन 3 components. इसमें रोड और रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी किया जाएगा, जिसके लिए जो ये फंड है उसको स्पेंड किया जाएगा. इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. भारतमाला परियोजना जो है 2015 में लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर द हाईवे सेक्टर और इसका एम यही है कि जो भी फ्रीट या पैसेंजर मूवमेंट है उसको कितना एफिशिएंट बनाया जा सके और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उसको बिल्ड किया जा सके. असम की हम बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है. यहाँ पे आप असम की लोकेशन देख सकते हैं. ये अपना बॉर्डर इधर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय और इधर वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है. ठीक है, इसकी लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी और जो यहाँ पर स्टेट डांस है वो बिहू है. ठीक है, कई एग्जाम से पूछ लेते हैं, जैसे SCHSL के एक उसमें पूछा गया था शिफ्ट में कि बिहू किस स्टेट का डांस है. कुछ बिहू से रिलेटेड था कि हाँ, कौन से मंथ में बिहू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू डांस किया जाता है. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था.
स्टेट बर्ड है इसकी वाइट विंग्ड वुड डक, एंड स्टेट गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा में इसकी 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फाउंडेशन स्टोन इज लेड इन द स्टेट ऑफ डैश। हाल ही में भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शिलान्यास डैश में किया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड वेस्ट बंगाल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज असम। नेक्स्ट इज इंडिया और वियतनाम के बीच जो बिजनेस फोरम है वो ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली। अभी हाल ही के समय में जो इंडिया और वियतनाम के बीच में ट्रेड है वो बढ़ा है और इट इज़ नाउ $12.34 बिलियन। इंडिया से वियतनाम को क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती है, बोवाइन मीट, फिशरी प्रोडक्ट्स, कॉर्न, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन एंड मशीनरी। वहीं इंडिया वियतनाम से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करता है जैसे कि मोबाइल फोन्स एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, मशीनरी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेचुरल रबर, केमिकल्स एंड कॉफ़ी। इंडिया स्टेटेड दैट बायलेटरल ट्रेड हैज़ टू बी ब्रॉडन टू अचीव द फुल पोटेंशियल ऑफ ट्रेड रिलेशंस। तो दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा ब्रॉडन करने की आवश्यकता है ताकि फुल पोटेंशियल यूटिलाइज किया जा सके। अभी वियतनाम इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। वियतनाम की हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और ये आशियान का भी पार्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एंड ये अपना बॉर्डर, देखिए ये वियतनाम की लोकेशन है, ये अपना बॉर्डर लाओस, कंबोडिया एंड चाइना के साथ शेयर करता है। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स बीचेस, रिवर्स एंड बुद्धिस्ट पगोडास। तो बुद्धिस्ट पगोडास बहुत सारे हैं वियतनाम में। इसकी कैपिटल हनोई है और करेंसी इसकी वियतनामीज डोंग है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम वियतनाम। वियतनाम से भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात करता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेचुरल रबर, केमिकल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट डेवलपिंग इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर VTS एंड VTMS। तो गवर्नमेंट जो है एक इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सर्विस बना रहा है फॉर वेसल ट्रैफिक सर्विस एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए। फॉर दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया, उन्होंने ई लॉन्च किया द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडिजिनियस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। करेंटली ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट्स डिपेंड्स ऑन हाई कॉस्टिंग फॉरन मेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस। तो अभी क्या है, वर्तमान में जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है इंडियन पोर्ट्स का वो अभी फॉरन मेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस पर निर्भर है, और इस तरह का सॉफ्टवेयर जब इंडिजिनियसली डेवलप होगा तो कॉस्टिंग यहाँ पर कम होगी और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोशन मिलेगा। VTS एंड VTMS आर द सॉफ्टवेयर यूज टू डिटर्मिन पोजिशंस ऑफ वेसल्स। तो इनसे क्या पता चलता है कि जो वेसल्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, और ट्रैफिक और मेट्रोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग्स भी इशू की जा सकती हैं, ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है एक पोर्ट और वाटरवे में। तो ये सब इसके कुछ फायदे होते हैं। IMO कन्वेंशन SOLAS दैट इज सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी मेक्स VTMS मैंडेटरी। तो जो IMO कन्वेंशन हुआ था SOLAS, तो ये मैंडेटरी करता है VTMS का होना, ताकि यहाँ पर एक तो सुरक्षा की जा सके और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर किया जा सके। इसके लिए IIT चेन्नई को 10 करोड़ जो है वो सैंक्शन कर दिए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। दिस इंडिजिनियसली डेवलप्ड VTS सॉफ्टवेयर विल मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेवी फिजिबल एट लो कॉस्ट। तो स्वदेश में विकसित VTS सॉफ्टवेयर भारतीय नौसेना के राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन को कम लागत पर व्यवहार्य बनाएगा। क्वेश्चन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस वेसल ट्रैफिक सर्विस सॉफ्टवेयर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज सैंक्शन ₹10 करोड़ टू विच ऑफ द फॉलोइंग IITs। स्वदेशी वेसल ट्रैफिक सर्विसेज सॉफ्टवेयर के विकास के लिए जहाजरानी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस IIT को 10 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, IIT चेन्नई, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद एंड IIT पलक्कड़। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आईआईटी चेन्नई. नेक्स्ट इज नीति आयोग हैज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर इन कोलैबोरेशन विद अमेजॉन वेब सर्विसेज. तो जो नीति आयोग है उसने अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की है. CIC जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट एजेंसीज कैन पार्टनर विद अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज ऑफ AWS. तो AWS की जो भी एक्सपर्टीज है उसको एक्सेस करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो बाकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर कर सकती हैं. ठीक है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी CIC विल हेल्प बडिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स. इससे जो भी इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा. अर्लियर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद CGI इंडिया टू प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस द स्कूल्स. तो हमने डिस्कस किया था कि CGI इंडिया जो भी अटल टिंकरिंग लैब्स वाले जो स्कूल हैं उनको अडॉप्ट करेगी और वहाँ पर इनोवेशन को प्रमोट करेगी, और इसी के लिए नीति आयोग ने CGI के साथ कोलैबोरेट किया था. अमेजॉन सब्सिडियरी अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो अमेजॉन की ये एक सब्सिडियरी है अमेजॉन वेब सर्विसेज. इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड APIs टू गवर्नमेंट. तो ये जो है ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और साथ ही APIs प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को. AWS also provides on demand cloud computing platforms and APIs to individual and companies. तो काफ़ी जो companies हैं और जो individuals हैं जिसको चाहिए होता है on demand cloud computing platform वो provide करता है Amazon Web Services. AWS उसको provide करता है. Question है, नीति आयोग has announced the establishment of a frontier technologies cloud innovation center in collaboration with which of the following. नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM, गूगल एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज. ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज अमेजॉन वेब सर्विसेज. नेक्स्ट इज PM मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन बागन फॉर बिकमिंग आई लीग चैंपियंस. तो PM मोदी ने कोलकाता स्थित मोहन बागन एथलेटिक क्लब को आई लीग चैंपियन बनने और आई लीग 2019-20 की ट्रॉफी जीतने के लिए बधाई दी है. इसमें दीपांदा डिका वॉज द टॉप गोल स्कोरर एंड द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द लीग वर कैंसल्ड आफ्टर 14 मार्च ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक. आई लीग चैंपियंस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कप. तो आई लीग के जो भी चैंपियन होते हैं ये एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का जो कप होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आई लीग 2019-20 जो था ये इस वर्ष इसका 13 सीजन था एंड द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी वाज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. ठीक है, तो AIFF ने इसको ऑर्गेनाइज किया था. आई लीग जो ये प्रीमियर फुटबॉल लीग है भारत का एंड इट वाज अर्लियर कॉल्ड नेशनल फुटबॉल लीग. इंडियन सुपर लीग इज अनदर प्रीमियर फुटबॉल लीग इन इंडिया. सो इस वर्ष ये 13th आई लीग था. ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड चैंपियन और ट्रॉफी विनर थे मोहन बागन एथलेटिक क्लब एंड टॉप गोल स्कोरर कौन था दीपांदा डिका. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम आई लीग चैंपियन एंड वन द आई लीग 2019-20 ट्रॉफी. निम्नलिखित में से कौन आई लीग चैंपियन बन गया है और आई लीग 2019-20 ट्रॉफी जीता है. मोहन बागन, ईस्ट बंगाल, शिलोंग लजोंग एंड TRAU. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज मोहन बागन. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पुट अ लिमिट ऑन द प्राइसेस ऑफ मास्क एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड प्राइस रेंज फॉर N95 एंड 3-लेयर मास्क. महाराष्ट्र मास्क की कीमतों पर सीमा लगाने वाला पहला राज्य बन गया है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने N95 और 3 परत वाले मास्क के लिए मूल्य सीमा को तय कर दिया है. Announced, the government announced maximum selling price limits will be applied to all mask manufacturing companies, distributors and retailers. तो ये जो भी price limit announce की गई है ये जितने भी mask manufacturing companies हैं, distributors हैं, retailers हैं, सभी पर apply होगा. The rate of mask being provided by government and private hospitals, nursing homes,
कोविड केयर सेंटर्स डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, ठीक है. इन महाराष्ट्र शुड बी एट 70% ऑफ द अनाउंस्ड मैक्सिमम प्राइस सेलिंग लिमिट. तो जो भी महाराष्ट्र में सरकारी और निजी अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, कोविड केयर सेंटर है, समर्पित कोविड अस्पताल हैं, इनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे मास्क की दर घोषित अधिकतम बिक्री मूल्य सीमा के 70% पर होनी चाहिए. प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन नॉट चार्ज अबव 110% ऑफ द परचेस्ड प्राइस. निजी अस्पताल खरीद मूल्य के 110% से ऊपर शुल्क नहीं ले सकते हैं. महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है. ये अपने जो बॉर्डर है ये कौन कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है? गोवा, कर्नाटका, देन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. इसके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी हैं, जिनको गोवा का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू पुट अ लिमिट ऑन प्राइसेस ऑफ मास्क. निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. जल्दी से कमेंट करके बताइए करेक्ट आंसर. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र. सो फ्रेंड्स, हमने जो भी करंट अफेयर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी कवर कर लिए हैं. आई होप रोजाना आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा. जल्दी हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में भी मिलेंगे, आप उसको भी अटेंड करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.